हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है, मौसम और जलवायु, क्योंकि चैप्टर भी हमारा यही है, मौसम और जलवायु। उसके अंतर्गत जो है मौसम जलवायु के विषय में जो है विस्तार पूर्वक हम जानेंगे कि आखिर मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, मौसम किसे कहते हैं और जलवायु क्या होती है। तो ये जानना आपके लिए काफ़ी रोचक रहेगा। आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहें, तभी जान पाइएगा कि ये सब क्या है, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक रहता है, ठीक है। तो ये बात आपसे छुपा नहीं है, आपको ये बात समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है मौसम। देखिए, मौसम क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि मौसम के अंतर्गत जो है तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व हो सकते हैं, ठीक है। तो तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व हैं, और ये एक दूसरे के साथ क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते ही रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती ही रहती है। और ये तत्व पवन की दिशा एवं जो है गति या सूर्य ताप की मात्रा और मेघा छंदता तथा वर्षण की मात्रा आदि जो है वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती है। इन वायुमंडलीय तत्वों को ही मौसम और जलवायु का अवयव कहा जा सकता है। यानी बहुत में इंपॉर्टेंट बात आया है यहाँ पर कि जो है गति, सूर्यताप की मेघा छंदता और वर्षण की मात्रा वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती है, और इन वायुमंडलीय तत्वों को ही मौसम और जलवायु का अवयव कहा जा सकता है। इन अवयवों के भिन्न भिन्न स्थानों और समय पर जो है अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है, यानी इन अवयवों का जो है विभिन्न विभिन्न स्थानों और समय पर जो है अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है, और यह प्रभाव एक सीमित क्षेत्र या छोटी अवधि के लिए हो सकता है। हम प्राय इस प्रभाव को मौसम के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे धूप वाला गर्मी, सर्दी, वर्षा, तूफान आदि का मौसम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धूप वाला गर्मी, सर्दी, वर्षा, तूफान आदि का ये सब मौसम हो सकते हैं। इनमें से मौसम का प्रत्येक रूप किसी न किसी अवयव की ओर संकेत करती ही करती है, यानी देखा जाए तो मौसम का प्रत्येक रूप किसी न किसी अवयव की ओर संकेत करेगा ही करेगा, जो किसी स्थान और समय के विशेष में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। अंततः किसी स्थान तक छोटी अवधि के लिए एक या एक से अधिक जलवायु अवयवों के संदर्भ में वायुमंडल की दशा उस स्थान का मौसम कहलाता है। तो आप मौसम समझ गए होंगे क्या होता है। किसी स्थान का छोटा अवधि के लिए एक या एक से अधिक जलवायु अवयवों के संदर्भ में वायुमंडल की दशा उस स्थान का मौसम कहलाता है, और एक ही समय में निकट स्थित दो स्थानों पर अलग अलग मौसम हो सकता है। यानी एक ही समय में निकट स्थित दो स्थानों में अलग अलग मौसम होना स्वाभाविक है। आपने देखा भी होगा, इसको अब्जॉर्ब की भी किया होगा अपने डेली टू लाइफ में, कि एक क्षेत्र में बारिश हो रहा होता है और एक क्षेत्र में धूप निकला हुआ होता है, तो हो गया ना दो कंडीशन, और ये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ही ऐसा कंडीशन देखने को मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौसम का पूर्व अनुमान। तो सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर कि मौसम का पूर्व अनुमान। देखिए, मौसम का पूर्व अनुमान के कारण आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हुआ है। कहते हैं आज समय रहते ही हर चीज़ के बचाव के लिए जो है मौसम का पूर्व अनुमान के कारण ही जो है इंसान सशक्त हो जाता है, और उन जो दुर्घटनाएं होने वाले होते हैं, जो प्रॉब्लम आने वाले होते हैं, उससे पहले ही वो जो है अपना पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये सब किस कारण हुआ? मौसम का पूर्व अनुमान के कारण ही हुआ। तो देखिए, मौसम का पूर्व अनुमान के अंतर्गत क्या है? कहते हैं आने वाले मौसम की किसी विधि द्वारा पहले ही से जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखता है। उदाहरण के लिए, आप किसी दिन लंबी यात्रा जो है पैदल यात्रा कर जाने की योजना बनाते हो, परंतु आपको यह मालूम नहीं है कि उस दिन वर्षा होगी अथवा नहीं। तो आपको पहले से ज्ञात हो जाए कि उस दिन वर्षा नहीं होगी, तो आप निश्चय होकर अपनी योजना को जो है कार्य रूप दे सकते हैं। इसी प्रकार किसान हो, नाविक हो, वायुयान चालक हो, पर्यटक हो, और अन्य बहुत से लोग अपने हित के लिए पहले से ही जानने की रुचि लेते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात यहाँ पर रखता है। इसलिए समाचार पत्र में जो है मौसम का विवरण, मौसम का पूर्वानुमान और इस जानकारी को दर्शाने वाला मानचित्र जो है योजना रोजाना छापे जाते हैं।
मौसम उपग्रहों की मदद से अब मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी अधिक विश्वसनीय मिल रही है। दूरदर्शन पर मौसम की दशाओं की जानकारी रोज दी जा रही है और जब कभी चक्रवात या खतरनाक मौसम के आने की संभावना होती है तो रेडियो, दूरदर्शन और समाचार पत्रों द्वारा चेतावनी दे दी जाती है, जिससे लोग मौसम के खतरों से अपनी जान और माल की रक्षा कर लेते हैं। तो मौसम का पूर्व अनुमान होना कई मायने बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इससे जो है हम कई खतरों से भी बच सकते हैं। मौसम कार्यालय सारे देश में फैली अपनी अनेक जो है वेगशालाओं द्वारा तापमान, पवन, मेघाछंद, वर्षा और अन्य वायुमंडलीय घटनाओं के बारे में आंकड़े एकत्र कर रहे हैं और इसी प्रकार की जानकारी गहरे समुद्र में चलने वाली जल योजनाओं से भी प्राप्त होती है और इन आंकड़ों का विश्लेषण एवं अध्ययन द्वारा अगले 48 घंटे या एक सप्ताह के मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी भी दी जाती है। और यह जानकारी यूनाइटेड किंगडम जैसे देश जहाँ मौसम परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है और इससे जो है जान माल की रक्षा भी किया जा सकता है। अगर हमें इसकी जानकारी ना रहे तो हम बहुत ही मुसीबत में फंस सकते हैं। उसके पश्चात है ऋतु। आप जानते हैं कि वायुमंडल दशाओं में विभिन्नताओं के अनुसार वर्ष को कई ऋतुओं में बांटा जा सकता है, यानी एक वर्ष के कई ऋतुओं में बांटा जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर भारत में देखा जाए तो इसमें 6 ऋतुएं पाए जाती है, ठीक है, ऐसा भारत में ही 6 ऋतुएं पाए जाती है, बाकी देशों में ऐसा नहीं है, तभी तो भारत को विभिन्नताओं वाला देश कहा जाता है। ऋतु वर्ष की वह विशिष्ट अवधि है जिसमें मौसम की दशाएं लगभग सामान्य रहती है। ऋतु को बदलने के साथ मौसम दशाएं भी बदल जाती है। अंततः ऋतु वर्ष की वह अवधि लंबी अवधि है जिसमें मौसम संबंधी विशिष्ट दशाएं होती है और जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और उसके द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है। प्रतिवर्ष ऋतुओं का एक सामान्य चक्र दोहराया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है, जिसमें मौसम संबंधी विशिष्ट दशाएं होती है और जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और उसके द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है। प्रतिवर्ष ऋतुओं का एक सामान्य चक्र दोहराया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में 3-3 माह की अवधि की और 4 ऋतु मानी गई है, यानी देखा जाए शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में 3-3 माह की अवधि को जो है 4 ऋतुओं में बांटा गया है। इसके नाम है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु और शीत ऋतु, यानी 4 मौसम में इसको बदला गया है। कहाँ पे? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। हमारे देश में 3 प्रमुख ऋतु होते हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 4 प्रमुख ऋतु मानी गई है। इनके नाम है शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक, और आगे बढ़ते मानसून की ऋतु या वर्षा ऋतु कह सकते हो जून से सितंबर तक, और पीछे हटते मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। लेकिन उत्तर भारत में परंपरागत 6 ऋतु मानी जाती है। देखिए भारत कितना विभिन्नताओं वाला देश है कि उत्तर भारत में परंपरागत 6 ऋतु मानी जाती है। इसके नाम है बसंत ऋतु, जो कि चैत, बैसाख या मार्च अप्रैल के दिनों माने जाते हैं। उसके पश्चात है ग्रीष्म ऋतु, जो ज्येष्ठ, अषाढ़ या मई जून से माने जाते हैं। उसके पश्चात आता है वर्षा ऋतु, जो श्रावण और भाद्रपद थोड़ा जुलाई और अगस्त के अंतर्गत आता है, और शरद ऋतु जो है आश्विन, कार्तिक या सितंबर अक्टूबर तक आता है। उसके बाद हेमंत ऋतु जो है माघ, शीष, पोष, पूष तक आता है, जो कि नवंबर दिसंबर के मध्य माना गया है। औषधीय ऋतु जो है माघ, फागुन या जनवरी, फरवरी के अंतर्गत आता है। तो ये 6 ऋतु जो है उत्तर भारत के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विषुववृत्त वृत्त के ऊपर सूर्य किरणें वर्ष भर लगभग लंबत पड़ती है। अंततः विषुववृत्तीय प्रदेशों में तापमान सारे वर्ष एक सामान्य ही रहता है और इस कारण विषुववृत्तीय प्रदेशों में कोई ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में समुद्र का प्रभाव ऋतुओं की विभिन्नता को कम कर देती है। ध्रुवीय प्रदेशों में केवल 2 ऋतु होती है, लंबी शीत ऋतु और छोटी शीत ऋतु, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी शरद ऋतु हो गया और जो है ग्रीष्म ऋतु हो गया।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जलवायु। देखिए जलवायु किसी भी प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसी पर जो है पूरे कार्य प्रणाली आश्रित होती है। जलवायु किसी विशिष्ट क्षेत्र में वर्षा की विभिन्न ऋतुओं की औसत मौसम दशाओं को उच्च क्षेत्रीय जलवायु कहते हैं। तो आप जलवायु समझ गए होंगे, किसी विस्तृत क्षेत्र में वर्षा की विभिन्न ऋतुओं की औसत मौसम दशाओं को उच्च क्षेत्रीय जलवायु कहते हैं। औसत मौसम दशाओं की जानकारी एक बड़े क्षेत्र के अनेक वर्षा लगभग 35 वर्ष के एकत्र किए गए आंकड़ों की गणना के आधार पर की जा सकती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है, केरल उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु है और ग्रीनलैंड की शीत मरुस्थलीय जलवायु है और मध्य एशिया की जलवायु शीतोष्ण महाद्वीपीय है। किसी प्रदेश की जलवायु अपेक्षाकृत स्थायी ही होती है। यदि हम पॉइंट की बात करें तो कहते हैं यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि पूरा सारांश के रूप में हो सकता है। किसी स्थान के तापमान, वायुदाब, पवन और आर्द्रता, वर्षण, धूप और मेघाच्छंद आदि के संदर्भ में थोड़े समय की वायुमंडलीय दशा को उस स्थान का मौसम कहलाता है। वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम दशाएं लगभग सामान्य होती है और जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और उसके द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है को ही ऋतु कहा जाता है। किसी बड़े क्षेत्र के पिछले अनेक वर्षों के औसत मौसम की दशाएं जो अभ्यक्ष स्थायी होती है को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। जलवायु समझ गए होंगे किसे कहते हैं, किसी बड़े क्षेत्र के पिछले अनेक वर्षों के औसत मौसम की दशाएं जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। अब जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मौसम और जलवायु के अंतर को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यानी मौसम और जलवायु के अंतर को जो है निम्नलिखित तरीके से आप समझ सकते हो। तो पहला जो है मौसम, दूसरा है जलवायु। हमारे समक्ष मौसम और जलवायु है। देखिए मौसम, मौसम में किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं की लघु अवधि प्राय एक दिन या एक सप्ताह का अध्ययन किया जाता है। यानी मौसम में किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं की लघु अवधि यानी छोटी अवधि एक दिन या एक सप्ताह का अध्ययन किया जाता है। जलवायु के अंतर्गत जो होती है, जलवायु में बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि की मौसम संबंधित दशाओं को औसत का अध्ययन किया जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करें तो मौसम वायुमंडलीय तत्व जैसे तापमान अथवा आर्द्रता में किसी एक से भी प्रभावित हो सकता है। यानी मौसम वायुमंडलीय तत्व जैसे तापमान अथवा आर्द्रता में किसी एक से भी प्रभावित हो सकता है। अगर जलवायु की बात करें यहाँ पर तो जलवायु वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव को देन है। यानी जलवायु जो है वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव की देन है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यह साफ करता है कि मौसम अक्सर बदलता रहता है। तो मौसम तो जो है अक्सर बदलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो कहते हैं ये लगभग अस्थायी होता है। जलवायु जो होती है अस्थायी होता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो इसका प्रभाव किसी देश के छोटे से भाग में अनुभव किया जा सकता है। यानी इसका प्रभाव किसी देश के छोटे से भाग में अनुभव किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर जलवायु को प्रभाव को किसी महाद्वीप के विशाल क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है दोनों। आखिरी पॉइंट की बात करें तो किसी स्थान पर वर्षा में विभिन्न प्रकार के मौसम का अनुभव किया जा सकता है। यानी किसी स्थान पर वर्षा में विभिन्न प्रकार के मौसम का अनुभव किया जा सकता है, जबकि जलवायु में किसी स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु हो सकती है। किसी स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु हो सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था जिसके बारे में हमने जाना समझा और इसके डिफरेंस को भी भली भांति जानने की कोशिश किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से था। आपको जो इसका डिफरेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको नोट डाउन करना चाहिए और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, तभी जो है आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कहते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो है इनको जिसको जलवायु वाला जो चैप्टर है अगर है उनमें तो ये काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो उनके साथ शेयर कीजिए, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, अगर उनमें टॉपिक ये है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा उनके लिए टॉपिक। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ में कुछ गलतियाँ, कुछ आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट भी कर सकते हो
कमेंट करने से बनाने वाले का जो है मनोबल बढ़ता है और उसके जो है आपके लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रेरणा भी मिलता है। तो इसलिए जो है आप सब्सक्राइब करके जो है चैनल को सेव कीजिए अपने मोबाइल में, जैसे आने वाला समय में आपको जो है नौवीं से लेके जो है एमए तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो वो आप उससे लाभान्वित हो सकोगी।